क्या नाम है बेटा आपका? सर तानिया सिंह। अच्छा तानिया, आपको CBSE 12वीं की परीक्षा में आपने 500 में से 500 अंक प्राप्त किए हैं, ये मुकाम आपने किस तरह से हासिल किया? सर टीचर्स का सपोर्ट है, सबसे ज़्यादा टीचर्स का सपोर्ट है। और सर स्कूल प्रिंसिपल सर जिन्होंने हमें बहुत सारे असाइनमेंट्स प्रोवाइड किए और वो बहुत हेल्पफुल रहे बोर्ड एग्जाम्स में, तो उसी की वजह से मैं सब कुछ ही अचीव कर पाई हूँ। अच्छा किस तरह से आप प्रिपरेशन करते थे एग्ज़ाम को लेकर के, क्या आपका टाइम शेड्यूल था, किस तरह से टाइम का मैनेजमेंट करते थे आप? सर मैं रोज़ एक टारगेट फिक्स कर लेती थी कि आज मुझे इतना करना है और उसको फिनिश करके ही मैं सोती थी। जब तक वो फिनिश नहीं हो जाता था तब तक मैं नहीं सोती थी, अब चाहे उसमें कितना भी टाइम लग जाए और जल्दी हो जाए तो भी। अच्छा भविष्य को लेकर के आप क्या सोचती हैं, किस तरह का फ्यूचर आप देखना चाहती हैं? सर मैं UPSC क्लियर करना चाहती हूँ, मेरा बचपन से ड्रीम है कि मैं IAS ऑफिसर बनूँ, यही है। इस मुकाम में जो बताया जाता है कि शिक्षकों का एक शानदार प्रदर्शन होता है, तो शिक्षकों के बारे में आप और स्कूल स्टाफ के बारे में, प्रिंसिपल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर ये स्कूल बेस्ट है, इस दुनिया में बेस्ट है, मैं सच कह रही हूँ, ये बहुत अच्छा स्कूल है। और टीचर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, सबके इतने अच्छे मार्क्स सिर्फ टीचर्स की वजह से ही आए हैं। अगर टीचर्स इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते, हमारे साथ इतनी मेहनत नहीं करते, तो हम सबके इतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते। और सब प्रिंसिपल सर नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, पढ़ाई तो सभी में ही होती है, क्या यहाँ कोई अलग तरीके से मेथड्स हैं जो उनको समझाया जाता है? सर यहाँ मेथड्स भी बहुत सारे, यहाँ टेस्ट काफ़ी सारे होते हैं, टेस्ट वीकली टेस्ट, देन प्री बोर्ड टेस्ट सीरीज, काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं, तो सर जब हमारी प्रैक्टिस कंटिन्यू रहती है तो हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। घर का माहौल किस तरह से, परिवार वाले किस तरह से आपको प्रोवाइड कराते थे? सर जब भी मैं पढ़ती थी तो कोई डिस्टर्ब नहीं करता था, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस कोई डिस्टर्ब नहीं करता था, और जब मेरा पूरा हो जाता था तभी लोग सब मुझसे पूछने आते थे कि बस हो गया, तभी आते थे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता था। जी।